सो हियर वी आर बैक टू आवर रूम। शाम के बज गए, 3 अपने रूम पे वापस आ गए हैं और अब फिर वही यक्ष प्रश्न, भूख तो लगी रही है तो क्या बनता, कोशिश करते हैं कुछ बनाने की, कुछ खाने की, क्या नाश्ता बनाएंगे, पोहा ट्राई करते हैं, देखते हैं पोहा बन रहा है। आज शाम को एक शादी में भी जाना है रांची, और यहाँ से 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर आ रहा हूँ, तो 4-5 बजे निकलेंगे यहाँ से, कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, शादी में जा रहे हैं अब रांची, यहाँ से रांची निकलेंगे और गाड़ी आ गई हम लोग, गाड़ी फिर जाएंगे वो ये है दोस्तों, बारात जा रही है, ये जयप्रकाश गाड़ी अंदर कर लीजिए, किशन कन्हैया, सुशील कुमार पोंपों, और ये माननीय सर्वजग महोदय, इनसे तो परिचय है ही सभी का, तो चला जाए। देखो ये सच रहे लोन नहीं, चलिए चलिए निकल आते हैं लोग, इनका बजाते रहते हैं समय समय नहीं, हालांकि इनका ये वोकलिस्ट है ना, तो वो जो इंस्ट्रूमेंटल जो रिकॉर्ड कर पे थे ये बेस कर यार, ये वही शब्दों का खेल चल रहा है। दोस्तों पहुंच गए हैं यहाँ शादी में रांची, और तो इस तरह की सजावट है, अच्छा वातावरण बनाया हुआ है, हमारे स्टाफ के ही सर हैं, उनकी बिटिया की शादी है, उन्हीं को आशीर्वाद देने हम लोग पहुंचे हैं, और साथ में साथी हैं जेबी भाई। दोस्तों बेदी, और हम लोग पहुंच चुके हैं और समय भी हो गया, अब निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, खाना पीना हो गया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और अच्छा लगता है यार जब स्टाफ में या साथ वाले किसी का वैवाहिक सुख में दुख में हम लोग शामिल होते हैं, तो यही परिवार है इस समय, 8 बजने वाले हैं, तो पीछे नॉइज भी आ रहा है, चलते हैं। शादी वाला खाना, पनीर लीजिए जेपी भाई, जेपी भाई है, और ये अपने किशन कन्हैया, ये पार्टी अपनी चल रही है, ये देख लो माल सब चापना हुआ है, खाना खाते हैं फिर इसके बाद निकलेंगे, टाइम हो गया निकलेंगे, चलिए फिर भोजन कर लेते हैं। चलते हैं वापस हम लोग, समय हो गया, काफ़ी देर हो गई, 10-11 बज गया यहीं पे, तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, वापस जा रहे हैं, और अच्छा रहा अरेंजमेंट, और पीछे प्रोग्राम था रांची में। A few moments later. और देख रहे हो पीछे टाइम, रात के 12:30 हो रहे हैं, 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे रांची के लिए, और बताया था आपको कि विवाह समारोह में जाना था, तो वहाँ गए 5:30 बजे निकले, 8 बजे के आसपास पहुँचे, और एक आध घंटा वहाँ पे रुके, और 10 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से चले।
तो ठीक 12:30 बजे रूम पे। बहुत ही अच्छा आयोजन था, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आराम करते हैं और सुबह मिलेंगे आपसे। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और जैसा कि आपको पता कि कल शादी में गए थे और शादी बहुत अच्छी रही, और वहाँ से लौटते लौटते काफ़ी हमको लेट हो गया था, 12:30 बज गए थे, और मौसम भी ख़राब हो गया था। कल बारिश हो रही थी रात में, अभी भी आज सुबह बाहर बादल लगे हैं आपने देखा, और ये गर्म पानी का गिलास इसके साथ, चूँकि गला वाला साफ़ हो जाए थोड़ा सा, जो गर्म पानी एक गिलास दो गिलास जितना हो सके। तो अब यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं। पीछे घड़ी में देख रहे होंगे 7:10 हो गया है, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि ड्यूटी पे भी जाना है। तो ठीक है, करते हैं, निकलते हैं अब, बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। A few moments later. दलिया, और आज कुकर में बनाएंगे नए स्टाइल से दलिया, वेज दलिया। सो गाइस, नहा धोके हो गए रेडी, और अब बारी है ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये बन गया हमारा दलिया और एक चम्मच घी के साथ आज, और जल्दी से करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया अपना पूरा, 8:20। तो दोस्तों समय हो गया है, आज थोड़ा लेट भी हो रहा है, फटाफट शूज पहनते हैं और निकलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिए ध्यान, और मैं भी जल्दी जल्दी निपटाता हूँ अपना काम, फुर्सत से मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, जय हिंद, बाय।